आपके पास वर्टिकल आ जाता है, आपको पहले क्या करना है, इस लेआउट को बदल दीजिए, कंस्ट्रेंट लेआउट को कन्वर्ट व्यू करते हुए लीनियर लेआउट कर दीजिए पहले। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल मोड में ओरिएंटेशन में आपका एक ओरिएंटेशन बन जाएगा ये लीनियर लेआउट का। फिर आपको प्रोग्रेस बार ढूंढना है, डोंट वरी, जब भी आपको प्रोग्रेस बार न मिले तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे प्रोग्रेस। तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ गया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, आप यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ किया। तो देख लीजिए उसका प्रोग्रेस बार का पूरा हुलिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसका नाम बदलना है तो आप बदल दे भी सकते हो, जैसे कि प्रोग्रेस बार वन कर दिया। अब मुझे दो बटन चाहिए, वो बटन मैं यहाँ पे रखूँगा तो वो पूरा एक बटन यहाँ हो जाएगा, दूसरा बटन यहाँ हो जाएगा, तो वो और एक रो में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक और लेआउट लिया, जरा ध्यान से देखिए, हॉरिजेंटल लेआउट भी ले सकते हो, वर्टिकल लेआउट भी ले सकते हो। तो मैंने हॉरिजेंटल लेआउट लिया और उसको यहाँ पे रख दिया। तो देख लीजिए यहाँ पे हॉरिजेंटल लेआउट की इस तरह से दिखता है, तो वहाँ नहीं रखना है मुझे, वहाँ नहीं रखना है मुझे, बाहर रखना है इस तरह से। फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ आपको वो इधर उधर हो जाता है। तो आप एक और यहाँ पे तरीका है, आप ये कोडिंग में जाइए, अगर आपको ये बहुत डिफिकल्ट लेवल लगता है तो आप वहाँ जाकर आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप वही चीज कर सकते हो, यहाँ से भी आप लीनियर लेआउट लेकर आप वर्क कर सकते हो। देख लीजिए, और यहाँ आ गया, देखेंगे तो आपका, देखिए ये पूरा लेआउट यहाँ आ गया मैच पेरेंट के साथ। तो ये तरीका है, दोनों तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं दोबारा वही चीज आपको कहने जा रहा हूँ कि आपको ये प्रोग्रेस बार मिल गया, वो हॉरिजेंटल है, अब वही हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट मैं ले रहा हूँ और यहाँ वो हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट दिखाई दे रहा है। देख लीजिए ये आपका प्रोग्रेस बार है, इतना अच्छा छोटा दिख रहा है, और ये आपका हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन से। अब मैं इस चीज को चेंज करने जा रहा हूँ, हॉरिजेंटल की जगह उसका ओरिएंटेशन मैं वर्टिकल कर देता हूँ। कुछ चेंज हुआ जरा देख लीजिए, यहाँ पे आपका प्रोग्रेस बार आ गया और यहाँ पे आपका लीनियर लेआउट आ गया। अब इसका विड्थ छोटा है, उसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, विड्थ में हम मैच पेरेंट कर देते हैं, तो देखिए बड़ा हो गया। तो ये आपको याद रखना है, उसका हाइट एंड विड्थ मैच पेरेंट के साथ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे दोनों बटन रखने जा रहा हूँ, एक बटन रखा और उसका नाम मैं रखने जा रहा हूँ btn प्लस, और उसका कोड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाकर मैंने प्लस कर दिया। अब दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसको भी बटन रखा है, btn माइनस कर दिया और उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो जरूरत है उसको मैंने माइनस कर दिया। देख लीजिए वही चीज किया। अब यहां पे जो प्रोग्रेस बार है ये छोटा दिख रहा है, उसका हाइट एंड विड्थ आपको बढ़ाना घटाना है तो आप यहां से भी कर सकते हो, ये वेट है तो उसको मत कीजिए, ये वेट और विड्थ दोनों में डिफरेंस है, ये विड्थ और वेट, उसका हाइट बढ़ाना है तो आप हाइट भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि 10 dp, तो थोड़ा सा उसका हाइट लेआउट, ये लेआउट के बारे में मैं कह रहा हूं और ये प्रोग्रेस के बारे में कह रहा हूं, जितना आपको चाहिए उतना साइज आप बढ़ा भी कर सकते हो घटा भी सकते हो। देख लीजिए मैंने उसको ड्रैग किया, अपने आप वो साइज ले लेगा। अब नेक्स्ट के बारे में बताता हूं, देखिए अब यहां इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास तीन है, ये 100, मैंने 100 किया, देख लीजिए मैक्सिमम प्रॉपर्टी 100, प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल मैं 50 लिखता हूं तो पूरा 50% वो सिलेक्ट हो गया, अगर वहां पे मैं 10 लिखता हूं तो वो 10% सिलेक्ट हो गया,
और 99 लिखूंगा तो वो 99% सिलेक्ट हो जाएगा, 100 नहीं किया, तो यहां से आप उसको हैंडल कर सकते हो। अब मैं पूरा कोड कोडिंग से करने जा रहा हूं, तो आपको कोडिंग से कोड करना है। इससे पहले मैं ऑन क्लिक इवेंट सेट कर देता हूं मेरे बटन के लिए, BTN प्लस के लिए, और यहां पे ऑन क्लिक BTN माइनस के लिए मैंने वही नाम रखा जो मैं नाम रखना चाहता हूं और क्रिएट कर दिया। वैसे यहां पे अल्टर एंटर क्रिएट कर दिया, तो देख लीजिए माइनस और प्लस का बटन रेडी हो गया। अब ये मेरा कोड लाइफ साइकिल का था, उसको मैंने अभी डिलीट कर दिया है, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और इस लाइन का भी ज़रूरत नहीं है। नाउ देखिए ये कोड आपका इतना रेडी है। अब मुझे पहले प्रोग्रेस बार को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रोग्रेस बार, और उसका नाम रख दिया PB1 फॉर एग्जाम्पल। ये लाइन के बाद सब कुछ इंस्टेंस को इनिशियलाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस बार को कास्टिंग किया, फाइंड वी बाय आईडी से उसको सेट किया, r.id.progressbar1 उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब यही चीज आपको करनी क्या है, तो यहाँ आपको आना है इसी पर्टिकुलर बटन के pb1.setprogress और यहाँ पे pb1.getprogress यानी कि पुरानी वैल्यू प्लस 10, यही लाइन की कॉपी और पेस्ट मैंने यहाँ कर दिया और वहाँ पे माइनस कर दिया, मेरा कोड हो गया। तो ये आपका तरीका है, ये मैंने आपको सुपरवाइज समराइज और कॉम्प्लेक्स कोड बताया, जितना आप लिखते थे उससे भी कम लाइन के कोड में मैंने आपको ये सारा चीज यहाँ पे दिखाया है। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। अब इसके आगे हम सिक बार में जाएंगे, अभी फिलहाल हम प्रोग्रेस बार को रन कर देते हैं और देख लेते हैं क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है, फिर हम सिक बार के पास यही प्रैक्टिकल करेंगे और आपको बताएंगे सिक बार कैसे वर्क करता है और सिक बार को प्रोग्रेस बार के साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है, वही चीज हम समझने वाले हैं। अभी आपका ग्रेडल बिल होने के बाद उसका रन सक्सेसफुल करने के बाद देखते हैं कि क्या वो सही ढंग से काम हो रहा है और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे सिक बार को। आपका प्रैक्टिकल आ गया, मैंने प्लस बटन दबाया, देख लीजिए वो प्लस होता जा रहा है, माइनस बटन दबाया माइनस भी होता जा रहा है। क्लियर हो गया? नाउ मैंने कुछ नया नहीं किया, आपको जो बताया था वही किया। अब आगे मैं दूसरा सिक बार लेने जा रहा हूं। अब सिक बार मुझे लेना है तो यहां से आप सर्च कर सकते हो सिक बार, तो देख लीजिए यहाँ पे सिक बार आपको ये मिल गया, उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जरा ध्यान से देखिए तो ये कहाँ आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर लीनियर लेआउट के अंदर आ रहा है, मुझे वहां नहीं रखना है, बाहर रखना है, तो मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये यहाँ आ गया। तो मैं क्या करता हूँ जरा ध्यान से देखिए, ये लीनियर लेआउट का जो पूरा इतना लंबा विड्थ दिख रहा है उसको मैं छोटा करने वाला हूँ और उसका हाइट मैंने रैप कंटेंट कर दिया, देख लीजिए जरा ध्यान से देखिए। इस चीज को आप जो तरीके से आप हैंडल करना चाहते हो उस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। देखिए ये पूरा आपका सेंटर मोड में आ गया, आप जितना छोटा करेंगे बड़े करेंगे उसी हिसाब से आपका ये पूरा कोड चलने वाला है। अब ये हॉरिजेंटल है, उसका आप विड्थ कंटेंट जितना छोटा करेंगे उसी हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है, देख लीजिए हो गया। तो आप उसके हिसाब से आप अपना कोड छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं आगे ले जा रहा हूँ तो वो छोटा होते जा रहा है, तो ये आप अपना कोडिंग में प्लस माइनस कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन साइज। यहाँ पे देखिए मैं उसका साइज छोटा कर देता हूँ, ये जो आप बड़ा छोटा कर रहे हो उससे आपका प्रैक्टिकल की स्पेस कितनी चाहिए वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देख लीजिए मैच पेरेंट किया तो पूरा ले लिया,
रैप कंटेंट कर रहा हूँ तो इससे भी छोटा हुआ, इससे भी कम करना है। तो ये आपका लेआउट का विड्थ है, हाइट बढ़ाना है घटाना है तो वो आप मैनेज कर सकते हो। देख लीजिए वेट मैंने जीरो कर दिया, मतलब किसी के भाग में नहीं है तो ये पूरा हो गया। देख लीजिए वन किया तो दोनों के बीच में बंटवारा हो गया, टू किया तो तीन भाग का मिला पहले वाले को, बाकी सब मिला दूसरे वाले को, तो यहाँ पे मैंने जीरो कर दिया तो वो छोटे से एरिया में आ गया। अब यहाँ पे देखिए उसका भी मैं जीरो कर रहा हूँ, हो गया तो ये वेट किया। अब दूसरा लेआउट ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, दूसरा लेआउट ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगेन हॉरिजेंटल, सॉरी वो वाला नहीं ये वाला, हॉरिजेंटल लेआउट लिया। अब इसके अंदर मैं मेरा सिकबार डालने जा रहा हूँ, तो ये सिकबार वहां पे मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे आपका सिकबार दिख रहा है। उसी पर्टिकुलर ये जो आपने यूज किया उसका रैप कंटेंट मैंने कर दिया छोटा सा, देख लीजिए। तो ये चीज आपका सिकबार है और ये सिकबार का कोड इस तरह से दिखता है, इंपोर्टेंट लाइन का कोड इतना ही है, देख लीजिए। अब यहां पे हम कोडिंग क्या करने जा रहे हैं, तो मैं पहले आपकी प्रॉपर्टी सेट करवाता हूं, देख लीजिए उसकी प्रॉपर्टी। ये जो सिकबार है, सिकबार को मैंने सिलेक्ट किया है, ये सिकबार को सिलेक्ट किया, उसका नाम सिकबार 2 ऑलरेडी आया है। और वहां पे आप यहां पे देखिए ये थंब प्रॉपर्टी दिख रहा है, थंब वहां गया, मैं वहां का जो चीज बदलना चाहता हूँ वो चीज बदलने के लिए मैं यहाँ पे मूव हुआ और मुझे ये स्टार अच्छा लगता है तो मैंने स्टार को सिलेक्ट कर दिया, आपका स्टार वहां पे दिख रहा है। दूसरा मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए तो मैंने 100 कर दिया। अगर आप बाय डिफॉल्ट 50% रखना चाहते हो तो देख लीजिए वो 50% सिलेक्टेड हुआ आया, लेकिन मैं जीरो रखना चाहता हूँ तो जीरो कर दिया। आप इस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब वही चीज हम कोडिंग से करते हैं, वही चीज हम कोडिंग से करते हैं। जैसे उसको यहाँ से यहाँ हम फिंगर से हटाएंगे तो यहाँ आपका टेक्स्ट व्यू वहां पे उसका वैल्यू दिखाएगा, इसलिए मैं एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिए एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ, ये रहा टेक्स्ट व्यू, और उसी टेक्स्ट व्यू को मैं बाहर रख देता हूँ यहाँ उसके पास। वो और अच्छा नहीं दिखता, कोई और एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा, एक और लीनियर लेआउट लेते हैं। आउटपुट बनाने के लिए आपको जितना चाहे इतना आप लीनियर लेआउट ले सकते हो और वहां आपका टेक्स्ट व्यू जितना चाहे इतना आप सेट करवा सकते हो। देख लीजिए अब आपका टेक्स्ट व्यू आ गया है, उसका हाइट भी मैं छोटा कर देता हूं और ये जो टेक्स्ट व्यू है उसको सिलेक्ट किया, उसका नाम मैं बदलने जा रहा हूं टीवी प्रोग्रेस, उसका यहाँ पे वैल्यू मैं प्रोग्रेस लिख देता हूँ जिसे आपको समझ में आए, और यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा साइज टेक्स्ट साइज बदल देते हैं, लंबा या बड़ा कर देते हैं जिससे आसानी से आपको दिखाई दे, बोल्ड कर दिया और उसको सेंटर में लाकर रख दिया। देख लीजिए अब इसी जगह पे जब मैं ड्रैग करूँगा मेरा सिकबार उसका परसेंटेज वैल्यू वहाँ आने वाला है, कैसे चलो करते हैं। तो यहाँ आपका टेक्स्ट व्यू पहले आ जाना चाहिए, टेक्स्ट व्यू का एक कोड आना चाहिए, साथ में सिकबार का भी आना चाहिए। तो सिकबार को मैंने एसबी के फॉर्म में ले लिया है, सिकबार को भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दीजिए, सिकबार को इनिशियलाइज कर दिया फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id.sickbar2 आपने जो यूज किया है वैसे ही आपका टेक्स्ट व्यू को भी इनिशियलाइज कर दीजिए क्योंकि टेक्स्ट व्यू के अंदर आपका वैल्यू डिस्प्ले होने वाला है। तो यहां आपका वैल्यू डिस्प्ले होने वाला है इसलिए वो रेडी कर दिया। अब सर सिकबार के अंदर मुझे वैल्यू डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखिए, ये जो सिकबार है उसके पास ही मैं कोड लिखता हूं sb.setOnSickBarChangeListener, देख लीजिए वो बोल्ड फॉर्म में आ गया है। ड्रैग किया, न्यू लिखा, कंट्रोल स्पेस की यूज किया और ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया, एंटर रख दीजिए तो वहां पे टोटल मिला के तीन इवेंट्स आते हैं। देख लीजिए
तीन इवेंट्स आते हैं, आपका ऑन प्रोग्रेस चेंज, ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग चेंज, ऑन स्टॉप ट्रैकिंग चेंज। अभी फिलहाल ये दोनों में मेरा ध्यान नहीं है, मैं यहाँ पे ही ध्यान दे रहा हूँ। इसमें आपको तीन पैरामीटर मिलते हैं। पहला पैरामीटर सिक बार, उसका छोटा नाम कर देता हूँ SB1। ये आपका प्रोग्रेस है, उसको मैंने P कर दिया। और ये आपका बुलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। अभी मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ये P पे ध्यान देना है। P हमारा प्रोग्रेस बार है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिए, TV हमारा जो सेट टेक्स्ट व्यू है वो डॉट सेट टेक्स्ट, और वहाँ पे हम प्रोग्रेस बार को कॉन्कनेट करते हुए डिस्प्ले करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने P को लिखा, प्लस किया और उसके पीछे परसेंटेज लगा दिया, तो ये कॉन्कनेट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि P तो आपका इंटीजर वैल्यू है, तो मैं उसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू अप में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है, मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद डिस्प्ले करना है। अब मेरा प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब पहले मैंने आपको प्रोग्रेस बार विथ बटन बताया, अब सिक बार विथ आपका प्रोग्रेस बताया। फिर हम क्या करते हैं, बटन पे क्लिक करेंगे और सिक बार भी चेंज होगा और आपका प्रोग्रेस बार भी चेंज होगा और साथ में परसेंटेज भी दिखेगा। वो हमारा टारगेट अब इसके बाद वाले प्रैक्टिकल में होगा। अभी फिलहाल हमारा प्रैक्टिकल आ गया है। मैं यहाँ पे स्टार पे मूव कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। आपका आउटपुट 100 तक ही जाएगा, क्योंकि 100 आपका वैल्यू है, आप देख सकते हो। अब यही चीज जब मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो आपका प्रोग्रेस बार प्लस होना चाहिए और साथ में आपका यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। अब मेरा टारगेट ये है, तो टारगेट में हम क्या चेंज करेंगे वो दिखाता हूँ, देख लीजिए। जो चीज आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस बार को प्लस किया, वही चीज आपको यहाँ पे सिक बार में सेट करना है। तो सिक बार में क्या करेंगे, सिक बार डॉट सेट प्रोग्रेस, जरा ध्यान से समझिए, सेट प्रोग्रेस, और साथ में आपको क्या करना है, सिक बार की वैल्यू चेंज करनी है, तो SB डॉट गेट प्रोग्रेस और उसके अंदर भी प्लस 10। तो मैंने क्या किया, सिक बार का वैल्यू भी साथ में पैरेलली प्लस और माइनस किया। पहले अकेले हम प्रोग्रेस बार को कर रहे थे, अब हम सिक बार को भी प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रोग्राम का चेंज क्या होता है, और वो अगर चेंज होता है तो हमारा क्या डिफरेंस आता है वो देख लेते हैं। फिलहाल हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा है और वो इंस्टॉल होने के बाद हम उसके साथ टेस्ट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस देखिए, वो अपने आप टेक्स्ट व्यू को भी चेंज कर रहा है। मैंने टेक्स्ट व्यू के साथ कोई कोड नहीं किया, लेकिन वो अपने आप वो कोड सेट करवा कर डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस इज द वे यू कैन मेक इट मल्टीपल इवेंट कोड इन अ सिंगल लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। आप दो कंट्रोल को एक साथ मैनेज कर रहे हो, देख लीजिए, और वही चीज आपके यहां मैनेज होता हुआ आपको दिख रहा है। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल।